अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की खट्टी मीठी और चटपटी चाट, जो कि इस सीजन में बहुत ही अच्छे अमरूद आ रहे हैं मार्केट में। ये बड़े वाले भी आ रहे हैं, इससे छोटे भी आ रहे हैं, उससे छोटे भी आ रहे हैं। आप अपने पसंद के कोई भी अमरूद ले लें। इसमें बीज कम होता है और इसमें गूदा ज्यादा होता है, तो इसके लिए मैंने ये अमरूद ले लिया है। पूरे का नहीं बनाएंगे, हम आधे अमरूद का चाट बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो खड़ी हुई भी डाल सकते हैं, साबुत दाने वाली भी, लेकिन वो थोड़ी सी मेल्ट कम होती है और जब चीनी इसमें अच्छे से मसालों में मेल्ट हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट खाने में, इस चाट का। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी फ्रेश कुटी काली मिर्च ले ली है, और 1 टीस्पून मैंने भुना जीरा पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने काला नमक ले लिया है। आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, जिसका टेस्ट आपको पसंद हो वो डाल लें। तो हमने ये लिया है, इसी से बहुत अच्छी हमारी चाट बनकर तैयार होगी। और अभी सीजन भी है, सर्दियां भी चल रही हैं, अमरूद भी मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का यूज जरूर करें। तो सबसे पहले हम अपने अमरूद को काट कर तैयार करेंगे। तो आधा अमरूद हम ले लेंगे, आधे की बनाएंगे हम चाट, और छोटे छोटे ही टुकड़े काटेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े काटो तो उसमें मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो छोटे छोटे टुकड़े ही काट के हम तैयार करेंगे। इस तरीके से इसके हम पहले लंबाई में पीस कट कर लेंगे। देखिए इसमें बीज बहुत ज्यादा नहीं होता है, बाकी तो आप किसी भी अमरूद की चाट बनाकर खा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे। आपको बड़े पसंद है तो आप बड़े भी काट सकते हैं, कोई कैद नहीं उसमें। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस काट कर तैयार कर लेंगे। और इसके लिए हमें पका अमरूद जो होता है उसकी चाट ज्यादा अच्छी लगती है, कड़े अमरूद की चाट कम अच्छी लगती है। तो जहां तक कोशिश करें आप पका हुआ अमरूद लें, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा पका हुआ होगा तो और ज्यादा टेस्टी चाट बनेगी। तो इस तरीके से हम सारे पीस कट कर लेंगे। मैंने अमरूद को काट कर तैयार कर लिए, हमने इसके छोटे छोटे पीस कट किए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट अगर पसंद है तो। वैसे तो अमरूद हल्का सा खट्टा होता ही है। तो इसमें हम सबसे पहले हम चीनी डाल देंगे, और चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमें ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही रसीली सब्जी बन सॉरी चाट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड कर दी है, और 1/2 टीस्पून काला नमक, और 1/2 टीस्पून के करीब हम कुटी काली मिर्च डाल देंगे। अगर आपको चाट मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून हम भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से कोई ढक्कन लगाकर इसको मिक्स कर लें, और चाहे तो चम्मच से मिक्स कर लें। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये जो बची हुई चीनी है हम ये भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी खट्टी मीठी चटपटी चाट बनकर तैयार हो गई है अमरूद की। तो लीजिए झटपट हमारी चाट तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई है तो हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।